हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो सीबीएसई सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट्स का एग्जाम कंडक्ट हुए थे। फ्रेंड्स, यहां पर कैंडिडेट के द्वारा कुछ ऑप्शंस रॉन्ग पाए गए। फ्रेंड्स, मेरे पास कैंडिडेट ने कमेंट्स किए हैं और व्हाट्सअप किए हैं कि सर जे जे क्वेश्चन है और इनमें हम लोग आपत्ति लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं क्वेश्चन से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आपका दिख रहा होगा वीडियो के बाजू में क्या बेल आइकन, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आज दोस्तों आपको पता होगा लास्ट डेट है आपको ऑब्जेक्शन लगाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर एक पोल क्रिएट किया है आपके सीबीएसई जूनियर एंड सीबीएसई सीनियर असिस्टेंट्स एग्जाम में मार्क्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर वोट देना नहीं भूलना है। फ्रेंड्स, वोट अवश्य करें जिससे कि एनालिसिस अच्छा हो, सटीक हो, 100% ट्रू हो आपका, हम एनालिसिस कर सकें कि आखिरकार कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के। यदि आप जूनियर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 50 के नीचे है तो फर्स्ट, 50 से 75 के बीच में है तो सेकंड, 75 से 100 के बीच में है तो थर्ड, और 100 से 140 के बीच में है तो फोर्थ, और आपके 140 से 200 के बीच है तो आपके यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन चुनना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप सीबीएसई सीनियर असिस्टेंट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर टैब दिए होंगे आपको फर्स्ट में 100 से नीचे है, सेकेंड है आपका 100 से 120 के बीच, थर्ड है आपका 120 से 150 के बीच, फोर्थ है आपका 150 से 120 के बीच, 150 से 200 के बीच, और नेक्स्ट आता है 200 से 250 के बीच। फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वोट अवश्य करें। वोट करने के लिए दोस्तों जाना होगा आपको क्या, यूआर एग्जाम गोली के यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर। आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहा होगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब, चैनल, यहाँ पर अबाउट, तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको सब दिख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो कि कैंडिडेट द्वारा कमेंट्स किए गए हैं। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है क्या, टीएसपी मॉडल वाले क्वेश्चन में भी दो आंसर राइट हैं, सो इस पे भी ऑब्जेक्शन डालो। फ्रेंड्स, ऐसा कैंडिडेट का कहना है क्योंकि सब लोगों ने पेपर दिया था तो उन लोगों को आंसर करेक्ट पता है। आप लोगों के और भी कमेंट्स दिखाऊंगा किसने कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने की बात कही है। एंड जिसके साथ साथ आपको यहाँ पर सेकेंड दिख रहा है क्या, नाइट्रोजन गैस वाला क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस इलेक्ट्रिक बल में होती है। नेक्स्ट है इंग्लिश में थे प्रेसिडेंट वाला जो क्वेश्चन है एरर का, उसका आंसर नंबर नो एरर होगा, है ना, सो ए भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है हिंदी में चापाल एंड चपला वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ये कहना है आपके क्या, प्रियंका भाटी जी का। ओके, तो इन्होंने चार क्वेश्चन बताए हैं जो इनके हिसाब से रॉन्ग आ रहे हैं, इनके आंसर गलत आ रहे हैं, तो इन पर आप ऑब्जेक्शन लगाएं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये कहना है आपकी क्या, प्रियंका भाटी जी का। अब चलिए देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हमारे सामने। अब दोस्तों, जैसे हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कमेंट आता है क्वेश्चन वाला नरेश कुमार शर्मा द्वारा। दोस्तों, इन्होंने क्या कमेंट्स किया है जरा देखिए, इन्होंने बोला है 30 जनवरी फर्स्ट डे शिफ्ट वाला तो दो क्वेश्चन पर प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन करें। यहाँ पे बोला गया है भाई नरेश कुमार शर्मा जी द्वारा, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन नहीं है, इंडियन नहीं, तो दोस्तों ऐसा नेक्स्ट क्या है, सही है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट देख सकते हैं क्या बोला है, पी वाई जी एम वाई डिपोजिट स्कीम नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, पी आई जी एम आई डिपोजिट स्कीम है सिंडिकेट बैंक की, और यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, इन्होंने बोला है किसने, भाई नरेश कुमार शर्मा जी ने। तो सभी प्रकार से रिसर्च कर लें, आपके नेट पे सर्च कर लें, और आपसे जो बड़े हैं जिनको नॉलेज है अधिक है उनसे भी थोड़ा परामर्श कर लें, देन इसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगाएं, 100% आप लोगों के इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितने क्वेश्चन कलेक्ट हुए थे मैंने आपको बता दिए, इन्होंने भाई ने बोला है कि क्या कोई गलत है रॉन्ग है आपके स्टेनोग्राफ सिक्योरिटी में, तो दोस्तों आप बस देख लेना और बाकी जो जो कुछ था मैंने बता दिया है। और यदि आपको लगता है और कोई क्वेश्चन है जो रॉन्ग हो सकता है तो आप कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तब तक लिए लेते हैं फ्रेंड्स आपसे विदा, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।